साम्राज्य को हरा दिया और सूर्य उदय होने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते सभी देवता उनके शरण में गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एपी सनातन हिंदू में। दोस्तों आज बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक तथा रोचक प्रसंग लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों कहानी बहुत ही रोचक है, इसीलिए कहानी थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग इस कहानी को स्क्रिप्ट मत करिएगा और अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि वीडियो को स्क्रिप्ट मत करिएगा, दोस्तों अंत तक कहानी देखिएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और ना बकवास करते हुए हम सीधे कहानी की तरफ मुड़ते हैं। दोस्तों एक समय दोस्तों मांडव ऋषि को धन के चोरी के इल्जाम में उस नगर के राजा ने सूल पर बैठा दिए थे और उसी रास्ते से एक दंपत्य ऋषि गुजर रहे थे, जो कि उस दंपत्य ऋषि का नाम कौशक था और उनकी पत्नी माता कौशिकी थी। दोस्तों ऋषि कौशक के अस्वस्थ होने के कारण माता कौशिकी ने उन्हें अपने कंधों से लेकर के रास्ते पर चल रही थी और गंगा जी में स्नान कराने के लिए ले जा रही थी। दोस्तों यात्रा लंबा होने के कारण उन लोगों को बहुत ही लेट हो गया था, क्योंकि उनके पति चल भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपने पति को कंधे पर लेकर के धीरे धीरे जा रही थी और रास्ते में ही अंधेरा हो गया। दोस्तों अंधेरा के कारण और अपने पति के कंधे पर लेकर जाने के कारण ही उनका पैर उस मांडव ऋषि के सूल से टकरा गया, जिससे मांडव ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मांडव ऋषि क्रोधित होकर के उन्हें श्राप दिया कि हे नारी, तुम जिस पति के प्रेम में इतना अंधी हो गई हो कि तुम्हें सूल दिखाई नहीं देता, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम उसी पति के और उसी प्रेम के लिए तर्पोगी और फिर वो तुम्हारा पति कल का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। इस पर माता कौशिकी ने उस मांडव ऋषि से बहुत ही याचना की और प्रार्थना की कि यह ऋषिवर मुझसे भूल हो गई, लेकिन ऋषि वो फिर से अपने ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों माता कौशिकी उस नगर के राजा के पास गई, लेकिन राजा भी कोई सहायता नहीं किया। फिर माता कौशिकी ने सभी देवताओं को दसों दिशाओं को बुलाने लगी, गुहार लगाने लगी, परंतु कोई देवी देवता वहां पर प्रकट नहीं हुए और फिर इस प्रकार से रात गुजरने लगी। फिर माता कौशिकी ने हार कर तंग आकर के उन्होंने जैसे ही सुबह हुआ उन्होंने ये श्राप दे दिया कि जाओ, अगर मैं अपने पति की सच्ची सेवा की हूँ और फिर मैं एक सती हूँ और फिर मैं अपने पति धर्म की पालन की हूँ, तो हे दसों दिशाओं, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं आप सभी को साक्षी मानकर ये कहती हूँ कि आज सूर्य उदय को इस प्रकार से रोक दिया। जब सूर्य उदय अपने घोड़ों को लेकर के सूर्यदेव निकले संसार में विचरने के लिए, तो उनका घोड़ा चल ही नहीं पा रहे थे। सूर्य देव बहुत ही परेशान हो गए और थक कर बैठ गए। फिर सभी देवता और इंद्र सहित ये सब नज़ारा देख करके बहुत ही दुखी हुए और पृथ्वी पर के जितने भी जनजाति और मानव थे सभी सूर्य के उदय न होने से वो अंधेरे में घिर गए थे। चारों ओर एकदम कुम्हरा ही कुम्हरा छाया हुआ था, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपस में लोग टकराने लगे और बादल घिर गए।
अमावस की काली रात हो गई हो। दोस्तों, ये सब दृश्य देखकर सभी देवतागण चिंतित हो गए और इंद्र सहित सभी देवता विष्णु जी के पास गए। दोस्तों, विष्णु जी ने सभी देवताओं से बताए कि माता कौशिकी ने सूर्य उदय को रोक दी है, जिससे सूर्य उदय नहीं हो रहा है। दोस्तों, इंद्र सहित सभी देवतागण श्री हरि नारायण से प्रार्थना की, हे श्री हरि नारायण, आप इस संकट से निकालिए। इस पर श्री हरि नारायण विष्णु बोले कि मैं विधि के विधान को मैं नहीं बदल सकता। फिर सभी देवगण बोले कि तो अब क्या होगा। उसके बाद में फिर सभी गण ब्रह्मा विष्णु और महेश से प्रार्थना करने लगे कि आप ही तीनों देव श्रेष्ठ हैं, आप ही तीनों कुछ करिए। दोस्तों, इस प्रकार से सभी देवगण सहित मिल करके ब्रह्मा विष्णु महेश माता कौशिकी के दरवाजे पर गए और माता कौशिकी को आवाज लगाने लगे, लेकिन माता कौशिकी दरवाजा नहीं खोले। अंत में विष्णु जी और शिव जी बोले कि हे माते, हम ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवताएं आपके दरवाजे पर खड़े हैं। दोस्तों, श्री हरि नारायण और ब्रह्मा विष्णु महेश के बात सुन करके माता कौशिकी दरवाजे खोलकर बाहर आई तो श्री हरि नारायण और शिव जी बोले कि हे माता, आप अपने वचन को वापस ले लीजिए, नहीं तो संसार इस तरह से बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस पर माता कौशिकी बोली कि वचन को वापस नहीं ले सकती। श्री हरि नारायण बोले कि आप ऐसा मत कहिए माता। तो माता कौशिकी बोली कि क्या आप अपने नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। दोस्तों, श्री हरि नारायण बोले कि अगर हम खुद के बनाए नियम को अगर पालन नहीं करते हैं तो फिर संसार में कौन हमारे नियम को पालन करेगा, कौन हमारे मान मर्यादा को ध्यान में रखेगा और फिर ये संसार कैसे चलेगा। दोस्तों, इस पर माता कौशिकी बोली कि आप अपने नियम को जिस प्रकार से नहीं बदल सकते, उसी प्रकार से मैं अपने तिनी धर्म को कैसे बदल दूं। आप अपना धर्म निभा रहे हैं तो मुझे भी अपना धर्म निभाने दीजिए। क्या मुझे अपने पति का प्राण बचाने का धर्म नहीं है। इस पर विष्णु जी बोले जरूर है। तो माता कौशिकी बोली तो आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म की पालन कर रही हूँ तो आप उसमें बाधा क्यों डाल रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से श्री हरि नारायण और ब्रह्मा विष्णु को जब जवाब मिला तो वो तीनों चुप हो गए। फिर वहीं पर नारद जी उपस्थित हुए और नारद जी बोले कि हे प्रभु, माता अनसुईया ही कर सकती है। फिर तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश अपने माता अनसुईया के पास में गए और जाकर के सारी व्यथा कह सुनाई। फिर माता अनसुईया माता कौशिकी के पास में आई और बोली कि हे माता कौशिकी, आप अपने वचन को वापस ले लीजिए। इस पर माता कौशिकी बोली कि मैं अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही हूँ तो फिर मैं अपने पत्नी धर्म से कैसे मुकर सकती हूँ, सो मैं ये वचन वापस नहीं ले सकती। तो माता अनसुईया बोली कि मैं आपके पति का रक्षा करूँगी। तो उस पर कौशिकी माता बोली कि आप सच कह रही है ना, मेरे पति को प्राण नहीं जाना चाहिए। इस पर माता अनसुईया बोली मुझ पर विश्वास रखो और फिर अपने वचन को वापस लो। फिर माता कौशिकी ने अपने वचन को वापस लिया तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ, देव प्राण हरने के लिए कौशिक ऋषि के पास आ गए। तो इस पर आप इनके प्राण को नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मेरे संरक्षण में है। दोस्तों, इस पर यमदेव बोले कि अगर मैं इनके प्राण को नहीं ले जाता हूँ तो फिर एक भक्त की, एक तपस्या की मान मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से माता अनसुईया बोली कि ठीक है, आप अपने वचन को पालन करिए और मैं अपने वचन का पालन करती हूँ। फिर यमदेव ने ऋषि कौशिक का प्राण हर लिए और हर कर ले जा रहे थे तो माता अनसुईया ने उनके प्राण को लेकर के फिर उनमें वापस डाल दिए। इस प्रकार से माता कौशिकी का वचन भी रह गया और मांडव ऋषि का भी वचन विफल नहीं हुआ। दोस्तों,
ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और एक कमेंट करिएगा और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।